Assalamu alaikum everyone, welcome back to inventory management system based on MVC tutorials. Today is our lecture number 5 and I am Ali Raza, and today we will discuss and study about authentication. Basically previous lecture ke andar hum logo ne authentication bilkul ki thi, but login ki had tak ki thi, right? Aaj main aap logo ko bataunga ki authentication aur kahan necessary hai aur kis tarike se jo hai wo aap apni application ko mazid protect kar sakte hain, theek hai? और जितने आपके डिफरेंट इनसाइट पेजेस हैं वो किस तरीके से ऑथेंटिकेट और ऑथराइज होंगे, वो सारा काम आप जो है वो. सो गाइज लुक, मेरे पास यहाँ पर ये मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पोर्टल आपके सामने ओपन है. मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है? और इसमें 12345 था पासवर्ड, उसको आप जो है वो लॉगिन करें. जब आप लॉगिन करेंगे तो देखें, आप बाय डिफॉल्ट एक डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं. अब मैं आ गया रोल्स पे. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, दिस इज़ नॉट अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट. सो डिज़ाइन आप अपने एतबार से, किसी भी एतबार से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. जो भी आपको थीम रखनी है, जिस भी एतबार से फॉन्ट्स रखने हैं, वो आप कर सकते हैं. जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट, मैंने यहाँ लिख दिया एड न्यू रोल, सही है? तो इस तरीके से आप चेंजेस छोटी मोटी कर सकते हो. और साथ साथ मैंने यहाँ पे टेबल लगाया हुआ है. अब टेबल जो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का आ रहा होता है वो सिंपल टेबल होता है. मैंने यहाँ पर जो है वो हूवर टेबल लगाया हुआ है. बूटस्ट्रैप की एक क्लास है हूवर टेबल, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है. इसी तरीके से आप यहाँ थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट आपके पास स्काफ फोल्डिंग से टेम्पलेट बना हुआ आता है, उसमें डिटेल्स का भी जो है वो एक लिंक होता है, तो मैंने वो यहाँ से हटा दिया, बिकॉज वो एक मेरे लिए अननेसेसरी चीज थी, तो मैंने उसको हटा दिया. लाइकवाइज डिटेल्स का व्यू भी मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है ना? तो एक सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं. खैर, तो अब बताना ये था कि ऑथेंटिकेशन कहाँ जरूरी है. अभी तो आप लॉग्ड इन है, लेकिन आप सिर्फ लॉग्ड इन है, ये नहीं पता ये यूजर जो लॉग इन हुआ है क्या ये ऑथराइज है कि ये इस रोल्स के अंदर, इस रोल्स की जो है वो विंडो को एक्सेस कर सके. क्या ये यूजर जो यासिर है ये ऑथराइज है कि ये इस यूजर को, एडमिन को एडिट कर सके. भाई आपने लॉग इन जरूर करवा दिया, आपने ऑथेंटिकेशन जरूर करा दी, बट क्या ये मेरे पास इसकी इसके पास ये राइट्स हैं कि ये किसी चीज को एडिट कर सके, या किसी चीज को जो है ये डिलीट कर सके, या ये नया यूजर एक नया रोल ऐड कर सके? एक तो मसला ये, ठीक है ना? दूसरा मसला ये कि फर्ज कर लो मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहां से लॉग आउट कर रहा हूं. वंस आई एम लॉग्ड आउट, अब जब मैं यहां पर आऊंगा और दोबारा से इसको यूआरएल को पेस्ट करूंगा तो ये मेरे पास फिर भी खुल रहा है. लोग सेशन मेरा बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, वरना यहां पर यासिर का नाम लिखा हुआ आ रहा होता, बट ये मेरे पास एक सिक्योरिटी फेलियर है कि मैं अपनी वेबसाइट को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. तो फिर क्या तरीके हैं इसको प्रोटेक्ट करने के? देयर आर मैनी वेज. द वेरी इजी वे दैट इज स्टेट मैनेजमेंट सेशंस. जिस तरह से आपने लॉगिन का सेशन बनाया है, इसी तरीके से आप और सेशंस भी बनाएंगे और उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे यूजर को, कि वेदर दिस यूजर बिलोंग्स टू दैट रोल, इज अलाउड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर पेज और नॉट, राइट? तो आप जो है वो सेशंस और कुकीज के जरिए भी ये काम कर सकते हैं. दूसरा, मेंबरशिप एपीआई से भी ये काम कर सकते हैं जो ASP.NET के अंदर होती थी, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो है ASP.NET MVC आइडेंटिटी, सही है? बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव क्रिएटेड आर सॉफ्टवेयर आर वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच. लेकिन जो MVC का आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रन होता है कोड फर्स्ट अप्रोच पे, ठीक है? तो अगर हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं तो फिर जो है वो हमें सारा का सारा स्ट्रक्चर पीछे से चेंज करना पड़ेगा, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को छोड़कर कोड फर्स्ट अप्रोच पे जाकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज उसके डिफॉल्ट जो टेबल्स बनते हैं आइडेंटिटी के अंदर वो फिर हम लोग यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूटिलाइज की है, और फिर उसके लिए हमें बहुत सारे और डिफरेंट वेज को यूटिलाइज करना पड़ेगा. खैर, वो एक बहुत लेंथी काम है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा. हम इसको सिंपल रखते हैं. इट्स योर चॉइस कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए कोई सा भी मीडियम यूज कर सकते हैं, वेदर आइडेंटिटी और वेदर मेंबरशिप APIs और वेदर सेशन और स्टेट मैनेजमेंट, राइट? सो लेट्स गो एंड अप्लाई सम ऑथेंटिकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, कि भाई जब आप लॉग इन है ही नहीं और आपने URL कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सही है? और उसके बाद अगर आप डायरेक्टली इधर इस जगह पे आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कहाँ ले जाए कि आप प्लीज लॉग इन हो, और लॉग इन भी कौन से वाले हो, कि भाई आप एडमिन हैं तो आप रोल ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. सो रोल्स शुड बी मैनेज्ड. तो इस तरीके से आपने काम करना है. सो लेट्स गो एंड डू ऑथेंटिकेशन, राइट? सो दिस इज माय बैकएंड, एंड यहां पर जो है वो हमारे पास ऑथ का कंट्रोलर मौजूद है जहां पे हमने लॉगिन किया था. जब आप लॉगिन करवा रहे हैं तो किस क्या करवा रहे हैं? आप एक सेशन मेंटेन करवा रहे हैं जिसमें यूजर का नाम आप स्टोर करवा रहे हो, ठीक है? इसी तरीके से आप यहां पर और डेटा भी तो मंगवा सकते हैं, जैसे कि
जो यूजर नेम आ रहा है या जो पासवर्ड आ रहा है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे अगर डेटा सक्सेस है तो फिर आप क्या करो, रोल भी मंगा लो। सही है कि भाई इस यूजर का रोल क्या है? तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल रोल इक्वल टू, अब आपके पास देखें आपके डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम क्या है, ओबीजे। सो मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओबीजे डॉट रोल्स, इसके लिए हमें लिंक लगानी पड़ेगी। तो हम एक और काम करते हैं, फ्रॉम ओबीजे डॉट रोल्स, राउंड ब्रैकेट्स में डाल दें इसको, फ्रॉम, अच्छा ये मेरा एक्शन मेथड है तो यहां पर लिंक, अच्छा इसके बजाय आप एक और सिक्योर काम कर सकते हैं कि आप अपने डेटाबेस में जाएं और आप अपने डेटाबेस के अंदर एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाएं और जिसके जरिए से आप रोल फेच करवाएं बेस्ड ऑन यूजर नेम। सही है, आपकी एप्लीकेशन में यूजर नेम सबका यूनिक होगा तो उसके बेस पे आप जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं डेटा। तो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्वेरी फॉर सिलेक्टिंग द रोल, न्यू क्वेरी, बिकॉज आर यूजर टेबल एंड रोल टेबल हैव अ रिलेशनशिप इन बिटवीन देम, तो हम उन दोनों के जरिए से ज्वाइन लगा के रोल्स मंगा सकते हैं। तो सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, जो आपके टेबल का नाम है चेक कर लें, यही है, यस यूजर्स, एंड इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन में आपके बाद आ जाएगा रोल्स, और यहाँ पे आप कर लें इनका पहले एलियास नेम दे दें आर, एंड यूजर्स का यू, देन गिव यर आर डॉट नेम, राइट, एज रोल। तो जो भी रोल होगा वो उठ के आएगा, और इनर ज्वाइन लगाया रोल के साथ तो फिर आप जो है वो ऑन आर डॉट आई डी इज इक्वल टू यू डॉट रोल आई डी, दीज आर माई टू कॉमन कॉलम्स इन टू डिफरेंट टेबल्स, वन इज द प्राइमरी की एंड अनदर इज द फॉरेन की, राइट, वेयर यू डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू लेट से यासिर, जिससे हम लॉग इन करवा रहे हैं। सो व्हेन वी when this query will be executed, what will happen, look, उसका रोल आ रहा है, क्लियर है? तो हम इस रोल को भी फेच करवाएंगे और उसके बाद डिटरमाइन करवाएंगे कि भाई किस तरीके से जो है वो कौन सा रोल अलाउड है और कौन सा रोल डिनाई है। तो इस क्वेरी को हम लोग जो है वो स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब राइट, क्रिएट प्रोसीजर st_get_role विद रिस्पेक्ट टू यूजर, और उसके बाद एज एंड बिकॉज यू हैव टू पास अ पैरामीटर, सो एट द रेट यूजर varchar एंड द डेटा टाइप ऑफ द यूजर नेम शुड बी, लेट्स वेरीफाई फ्रॉम द यूजर टेबल एंड इट इज 40, सो गिव यर 40 एंड दैट्स इट, एंड गिव इंस्टेड ऑफ यासिर योर पैरामीटर दैट इज यूजर। तो आपने जो है वो एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया, एग्जीक्यूट कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नाउ कम इनसाइड एंड ओपन योर EDMX, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ न्यू स्टोर प्रोसीजर सो यू हैव टू एड इट इनसाइड योर EDMX फाइल, राइट क्लिक एड न्यू और सॉरी अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, सो we have to look get that roles with respect to user and then finish. Okay, so now my user is added successfully, my that stored procedure is added successfully. Now when I write here variable role or give here r equal to obj dot get what is the name of that particular what was that name get role with respect to user, right, so obj dot look it is not appearing here, you have to build the project so that it is updated, the dbmx file, save it and build the project again, rebuild. Okay, so when you have rebuilt your project, now check variable r equal to
obj.getRole with respect to user. So it is asking you what? Provide your username here. My username is inside this you. So provide here u.name, that is username, right? And then, so what will happen? The username that will come store inside this variable r. Okay, then what to do next? You have to create a session again, session, and then write here role equals to u dot, sorry, r, because inside this r I have my role. Alright, now what to do next? When I will login, जब मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास अब रोल भी आ जाएगा और यूजर नेम भी आ जाएगा. अब जब रोल आ गया तो मैं रोल्स कंट्रोलर पे जाऊंगा और एक्शन मेथड जो मेरा ये है, इस वाले एक्शन मेथड पे, इंडेक्स पे, मैं सबसे पहले यहां लगाऊंगा इफ सेशन, लेट मी जूम इन, इफ सेशन ऑफ, द नेम ऑफ माई सेशन वॉज रोल dot, or instead of dot, give your admin. Okay, if my role name is equals to admin, जो भी बंदा logged in होगा, अगर वो admin है, सही है, तो session maintain हुआ होगा, obvious सी बात है. Session admin होगा तो फिर ये काम करना, else return view, and you are in roles controller, so you have to go where, in to your particular login page. So instead of returning this, redirect to action and give your action name, that is, ab hame kahan jana hai, auth pe jana hai, auth mein kis wale action method pe jana hai, index pe jana hai, theek hai, to hum yahan pe kya likhenge, index, we have to go to index, and which controller, auth controller. So please redirect to this auth controller at this action method when your admin, your role is not admin. Okay, जब आपका role admin ना हो तो ये काम करना. एक और चीज भी आप कर सकते हैं कि चलें इसी को पहले चेक करके देखते हैं, ये मेरा कौन सा एक्शन मेथड है, roles controller के अंदर index का एक्शन मेथड है डिफॉल्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड रन दिस. राइट, एप्लीकेशन इज नाउ अप. आई एम गोइंग टू roles and see what will happen. Look, when somebody tries to access /roles/index, because the session is not set, you can't go. Now let's log in from Yasir, and the password is 12345. We'll make it password field, no problem, and change this create to login button. That's not a worry about right now. Let's log in. We are in login mode now. Okay, our session is created. Now what will happen if I write here again, because I am logged in, if I write here again roles and index, look, it will not allow you to go to that roles page. Now let us log in with admin. So first go to your home page and see your users. Actually I have deleted the users views. Okay, तो मुझे दोबारा से बनाने पड़ेंगे users के जो view हैं. तो instead of this, अच्छा यहाँ भी जो green line आ रही है इस वजह से आ रही है कि आपने two string नहीं लगाया. अच्छा, अब admin का जो मेरे पास user है उसको हम यहाँ से select कर लेते हैं कि admin हमारे पास कौन सा है, because users के अभी इसका folding हमने नहीं की हुई. तो edit, check कर लेते हैं कि हमारे पास admin जो है वो कौन है, ताकि उससे हम लॉगिन करके देखें. ऑलराइट, सो आई डोंट हैव एनी यूजर, यासिर के अलावा कोई यूजर है ही नहीं. ओके, सो रोल आईडी, लेट अस गो टू रोल्स एंड चेक व्हाट इज द आईडी ऑफ एडमिन. सो आईडी ऑफ एडमिन इज 1. सो इफ आई मेक इट 1, आई एम मेकिंग दिस यासिर एज एन एडमिन, राइट? मैंने इसको एडमिन बना दिया है. अब हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो पर आके और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा. तो लेट चेक करते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं लॉगिन पे. लॉगिन आ चुका है. लॉगिन के बाद यासिर,
and then 1, 2, 3, 4, 5, and then create. So you are logged in now. And now if you, within this same session, if you write here or if you click here roles, so still it is not going to the roles. Let us verify what is the problem. Alright guys, so the problem is here, because मेरे पास जो data आ रहा है यहाँ पर वो किस format में आ रहा है और उसको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, जरा इसको ट्रेस करें और फिर देखें आप इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं. लेट अस लॉग इन. मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, चेक करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास. यासिर एंड 1, 2, 3, 4, 5 क्रिएट. सो वी आर इनसाइड आवर प्रोजेक्ट नाउ. लुक व्हेन दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, सो इट इज रिटर्निंग अ होल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो आई डोंट नीड दिस ऑल थिंग, बिकॉज लिंक जो है वो फिर सारा डेटा रिटर्न कर रही होती है. सारे से मुराद उसकी जो टाइप होती है वो डिफरेंट होती है, सही है ना. लेकिन मेरा ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर वेरिएबल राइट हियर स्ट्रिंग. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूं और यहां पे दोबारा आता हूं, तो फिर जो है वो हम इसको रिटर्न करते हैं. अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. अच्छा, एक और मसला भी है कि क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिजल्ट है, तो इसको आपको यहां पर करना पड़ेगा डॉट सिंगल, क्योंकि एक यूजर नेम पे वो एक ही रोल होगा उसका, सही है ना, और उसके बाद जो है वो आर में आ जाएगा उठ के. अब इसको रन करके देखें आप. राइट क्लिक, बल्कि अभी तो इसकी जरूरत ही नहीं है. यासिर एंड 1, 2, 3, 4, 5 लॉग इन. आप अंदर आ गए. अब आप F11 जब प्रेस करेंगे, जब आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो देखें आर के अंदर आपके पास क्या उठ के आ रहा है, एडमिन, सही है. जब एडमिन उठ के आ रहा है तो फिर आपका जो सेशन बनेगा उसके अंदर भी एडमिन होगा, एंड देन यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर होम पेज, राइट, मतलब जो आपका है. अब जब मैं, क्योंकि एडमिन हूं, अब जब मैं रोल्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रोल्स की विंडो खुल जाएगी, क्लियर है ये. लेकिन अगर मैं यहां से लॉग आउट करता हूं और दोबारा से, अच्छा रोल्स पे जाने के बाद अब एक मसला है, मैंने क्योंकि दूसरा सेशन भी बनाया है तो उस सेशन को मुझे डिस्ट्रॉय कराना पड़ेगा. अभी सेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ दूसरा वाला, तो अब इसको जरा आप चला के देखें क्या आ रहा है. देखें खुल गया ये. क्यों खुला? क्योंकि मैंने सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करवाया. तो आपने, जाहिर सी बात है, जब आप सेशंस इस्तेमाल करते हैं तो आपने सेशंस को फिर जो है वो डिस्ट्रॉय भी करवाना है. तो बिल्कुल इसी तरीके से देखें, मैं ऑथ के कंट्रोलर में हूं, तो जब आप लॉगआउट का बटन प्रेस कर रहे हैं तो ऑथ में आ रहे हैं, तो सेशन को यहां से आप क्या करवाएंगे, रिमूव भी करवाएंगे, रिमूव. और उसके बाद यहां क्या आ जाएगा आपके सेशन का नाम, दैट इज रोल. आई होप इट इज क्लियर. नाउ रन दिस एंड चेक कि क्या हो रहा है. यासिर एंड 1, 2, 3, 4, 5 क्रिएट. सो वी आर लॉग्ड इन. अच्छा, मैंने ये ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, रिमूव दिस ब्रेक पॉइंट, ताकि ये बार बार आपको ऐसा ना फेस करना पड़े. तो ये लॉग इन हो गए, ये खुल भी रहा होगा यहाँ पे, देखें आ गया. अब जब हम लॉग आउट करेंगे, इसको कॉपी कर लें URL को, लॉग आउट करें इसको. अब लॉग आउट करने के बाद जब मैं दोबारा इधर आऊंगा तो देखें मेरे पास वो क्या कह रहा है कि आपका रोल यहाँ पर है ही नहीं. दैट मीन्स आपका सेशन क्लियर हो गया है. अभी एक्सेप्शन आ रही है, यहाँ पर आप क्या करा सकते हो, नल चेक करा सकते हो कि इफ सेशन इज इक्वल टू नल देन रीडायरेक्ट टू दैट पेज ऑल्सो. तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगा लें कि इफ सेशन इज इक्वल टू नल, इसको ऐसे कर लेते हैं कि इफ सेशन ऑफ रोल्स इज इक्वल टू नल देन यू डू व्हाट, यू डू दिस. इस कोड को यहां पे कर लेते हैं एल्स इफ सेशन ऑफ रोल डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू एडमिन देन डू दिस कोड, इफ इट इज नल देन डू दिस कोड, राइट. एंड वॉट एल्स वी नीड हियर, देखें अब अगर आपके पास रोल खाली होगा सेशन, तो फिर आप इंडेक्स पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे,
और अगर रोल खाली नहीं होगा else if उसमें एडमिन होगा तो फिर आप जो है वो इस लिस्ट पे जाएंगे. अच्छा अब ये क्या कह रहा है, मस्ट रिटर्न अ वैल्यू. ओके वी मिस द रिटर्न बिकॉज else if लगाया है तो एंड में else भी आना चाहिए और else के अंदर भी आप क्या करेंगे रिटर्न. कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर, कि अगर इसके अलावा भी कुछ हो तो रिडायरेक्ट करा देना लॉग इन के ऊपर. सेव करें इसको, अब इसको रन करें और चेक करते हैं कि क्या होता है. तो ये जो आपने ऑथेंटिकेशन लगाई है अपने रोल्स के उसके ऊपर, ये आपने अपने हर कंट्रोलर के ऊपर जाकर करना होगा सारे के मामले के ऊपर, ठीक है ना. अदरवाइज फिर आप जो है वो, वरना आपकी वेबसाइट हैक होने के चांसेस काफ़ी हैं और डेटा उसके ख़राब करने के चांसेस भी काफ़ी हैं. तो लॉग इन, अच्छा तो ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, इसको हटा देता हूँ अभी मैं, रिमूव दिस ब्रेक पॉइंट. ओके एग्जीक्यूट इट, रोल्स भी आ रहा है. अच्छा अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और लॉग आउट कर रहा हूँ. तो देखें लॉग आउट पे यहाँ आ गए. अब जब मैं दोबारा यहाँ जा रहा हूँ तो ये मुझे दोबारा लॉग इन पे लेके आ रहा है, ना कि एक्सेप्शन पे लेके आ रहा है, सही है ना. तो ये सिर्फ काम मैंने कहाँ किया है अभी, ये सारा का सारा काम जो है वो हमने अभी सिर्फ यहाँ किया है रोल्स के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के एक्शन के ऊपर, ठीक है. लाइकवाइज यू हैव अदर कंट्रोलर्स एज वेल, लेट्स से डिटेल्स का आपके पास एक्शन मेथड है, क्रिएट का आपके पास एक्शन मेथड है और दूसरे भी एक्शन मेथड्स हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब के ऊपर ये स्टेट मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे. इससे ज़्यादा आसान आपके पास एएसपी आइडेंटिटी है. आप सिंपल जो है वो क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर पे जाते हैं. मैं नहीं चाहता मेरा ये कंट्रोलर कोई एक्सेस करे, सिंपल इज दैट. तो मैं यहां पर जो है वो लिख देता हूं सिंपल क्या, ऑथोराइज. इस तरफ अपने कंट्रोलर के ऊपर मैं यहां लिख देता हूं ऑथोराइज, और ऑथोराइज के अंदर फिर मैं आगे बता देता हूं कि भाई कौन सा रोल इसको एक्सेस कर सकता है. रोल इक्वल टू, और यहां पर आप रोल इक्वल टू के अंदर दे देते कि एडमिन. तो जब भी एडमिन की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, अब ये कोड फर्स्ट अप्रोच के जरिए होगा, खैर ये अभी यहां काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख देते तो आपका पूरा का पूरा कंट्रोलर जो है वो महफूज हो जाता. सो दैट्स व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिटी एएसपी एमवीसी आइडेंटिटी इज, ठीक है ना. इसी तरीके से आप कॉमा लगा के यूजर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा यूजर इसको खोलेगा, एडमिन में से भी कौन सा यूजर इसको खोलेगा इफ यू हैव मल्टीपल यूजर्स. आई विल ट्राई कि मैं इसके जो अब हम ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं इसके अंदर हम कोड फर्स्ट अप्रोच करके वो टेबल्स उठा के ले आए, ताकि हम लोग जो है वो इस आइडेंटिटी वाले को भी ऑथेंटिकेशन करके देख लें, बिकॉज इट्स गिव यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. सिंपल आपने इतना लिखना और आपका काम हो जाएगा, वरना सेशन आपके पूरे मेंटेन करवाने पड़ेंगे कि कौन सा रोल है कौन सा नहीं है. तो ये सारे मामलात हैं, ठीक है. तो उम्मीद है ये आप लोग ट्राई कर लेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.